नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, जहां जानेंगे ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को नहीं मिलेगा अब आरक्षण। संसद में बोले हैं रविशंकर प्रसाद। वहीं जानेंगे यूपी पंचायत चुनाव से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिलेवार आरक्षण का ब्यौरा जारी किया गया है। ग्राम प्रधानों के लिए 20,000 से ज्यादा गाँव अनारक्षित रखे गए हैं। वहीं आगे बताएंगे, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले किसी युवा मुस्लिम नेता के लिए पीएम बनने का सपना देखना है मुश्किल। देश भर में पेट्रोल हुआ 100 रुपए लीटर के पार, फिर भी खामोशी क्यों। वहीं जानेंगे महापंचायतों के जरिए तेज हो रहा किसान आंदोलन। टिकैत बोले गुजरात भी जाएंगे। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आगे जानेंगे। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें, यूपी पंचायत चुनाव जिलेवार आरक्षण का ब्यौरा जारी किया गया है। ग्राम प्रधानों के लिए 20,000 से ज्यादा गांव अनारक्षित। यूपी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। लखनऊ में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह और निदेशक पंचायती राज किंजल सिंह ने बताया कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित, 12 महिला, 27 OBC और 16 SC में आरक्षित किए गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण तय होने के बाद नजरें ब्लॉक प्रमुखों की संख्या और आरक्षण पर टिक गई हैं। इसके अलावा ग्राम प्रधानों का आरक्षण जिले स्तर पर होगा और उसकी भी संख्या ब्लॉकों को मानक मानकर जिले में ही तय की जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था अब तक अनारक्षित रही सीटों को ध्यान में रखते हुए हो रही है। मसलन जो सीट पिछले 5 चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुई, उसे अब SC के लिए आरक्षित किया जाएगा। यही व्यवस्था OBC की सीटों को लेकर भी अपनाई जाएगी। बड़ी खबर है दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव को लेकर। अगली खबर जानते हैं, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले किसी युवा मुस्लिम नेता के लिए पीएम बनने का सपना देखना है मुश्किल। राज्यसभा से हाल ही में रिटायर होने वाले कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि किसी भी युवा मुस्लिम नेता के लिए पीएम बनने का सपना देखना काफी मुश्किल है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं निकट भविष्य की ही बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आने वाले कुछ दशकों तक ऐसी ही स्थिति रह सकती है। इससे पहले बीते मंगलवार को राज्यसभा में अपने विदाई भाषण में गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि उन्हें भारतीय मुसलमान होने पर गर्व होता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि मैं ऐसे कुछ खुशनसीब नेताओं में से हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गया। और यही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने BJP के प्रति नरम रुख अपनाने के आरोपों को लेकर भी सख्ती से बात करते हुए कहा कि वह भगवा पार्टी में तब शामिल होंगे जब जम्मू कश्मीर में काली बर्फ पड़ने लगेगी। बड़ी खबर है दोस्तों गुलाम नबी आजाद की तरफ से सामने निकल के आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, इस्लाम या फिर ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को नहीं मिलेगा आरक्षण। आपको दोस्तों बताते चलें, धर्म परिवर्तन कर इस्लाम या फिर ईसाई अपनाने वाले दलित अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि ऐसे लोग अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। हालांकि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले दलित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं और आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों, देश में पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार हुआ है, फिर भी खामोशी छाई है। देश की संसद और राजनीति आंदोलनजीवी, पायजीवी और क्रोनोजीवी जैसे शब्दों के तर्क कुतर्क पर उलझी हुई है, जबकि आम आदमी महंगाई की मार से दोहरा होता जा रहा है। प्याज और सब्जी के आकाश छूते दाम, नए साल में 16 बार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं, लेकिन इसकी चर्चा ना संसद में है ना ही अपने आप और मुख्य धारा का कहने वाले तथाकथित मीडिया के स्टूडियो में। अखबारों के पन्ने पर भी आम आदमी की व्यथा की कोई भी जगह नहीं है। अखबारों के पन्ने पर इस प्रकार की अब तक कोई भी खबरें देखने को नहीं मिल रही हैं जब से मोदी सरकार आई है सत्ता में। गैस सिलेंडर के भाव 10 या 5 रुपए बढ़ जाने पर प्रधानमंत्री को घेरने, चूड़ियां भेजने वाले नेता तथा 10 रुपए का पेट्रोल खरीदकर गाड़ी जला देने के ट्वीट करने वाले नायक महानायक सभी कुछ खामोश हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों पिछले कुछ दिनों में लगातार पेट्रोल और डीजल पर कुछ पैसे की बढ़ोतरी की जा रही है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। देश के कई इलाकों में पेट्रोल 100 के पार हो चुका है और वहीं डीजल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। बड़ी खबर है दोस्तों, वहीं अगली खबर जानते हैं, महापंचायतों के जरिए तेज हो रहा किसान आंदोलन। राकेश टिकैत बोले गुजरात भी जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को महापंचायतों के जरिए विस्तार देने की तैयारी है। किसानों की महापंचायतें जारी हैं और आने वाले कुछ दिनों में किसान देश के कई और राज्यों में भी महापंचायत करेंगे। इसके अलावा 18 फरवरी को 4 घंटे तक रेल रोकने के साथ ही राजस्थान में भी टोल फ्री किए जाने का कार्यक्रम है। वहीं राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि गुजरात से कोई हमारे आंदोलन को समर्थन देने आना चाहता है तो पुलिस उसे
वापस भेज देती है। टिकैत ने कहा कि गुजरात सहित बाकी राज्यों में भी किसानों की महापंचायत की जाएगी। वहीं किसानों की महापंचायत को लेकर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत और मथुरा से लेकर बिजनौर और शामली में तक हुई महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसान उमड़े हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं बड़ी खबर राकेश टिकैत की तरफ से निकल गया है सामने। गुजरात में भी महापंचायतों का जल्द ही आयोजन किया जाएगा और गुजरात भी जाएंगे और किसान वहां भी करेंगे किसानों को जागरूक, किसान कैसे खेती कानूनों पर। वहीं दोस्तों अगली खबर जानते हैं, किसानों ने और भी तेज किया आंदोलन। 13 से 23 फरवरी के बीच महापंचायतों के कार्यक्रम की घोषणा, कहा मांगों पर गंभीर नहीं है सरकार। दोस्तों बताते चलें, तीन कृषि कानूनों के विरोध में लामबद्ध हुए किसानों की अगुवाई करने वाले संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। मोर्चा की ओर से जारी एक बयान में किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि किसानों की मांग कर्जा मुक्ति और फसलों का पूरा दाम की रही है, जिस पर सरकार गंभीर नहीं है। और इसी पूरे क्रम को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि किसान लगातार यहाँ पर महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। वहीं मोर्चा ने बताया कि पंजाब में भी महापंचायतों का विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ चढ़ कर भागीदारी दिखा रही है। वहीं मोर्चा की तरफ से आगे कहा गया है कि 13 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के दौरान की जाने वाली महापंचायतों के कार्यक्रम की घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, किसानों ने यहाँ पर यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब आंदोलन को और भी धार दी जाएगी, आंदोलन तेज किया जाएगा और देश के हर एक किसान तक इस आंदोलन की आवाज पहुंचाई जाएगी। चलिए दोस्तों अगली खबर जानते हैं, LAC पर राहुल गांधी के सुलगते सवालों से मोदी सरकार की बड़ी बेचैनी। जवाब देने की बजाय निशाना साधने में जुटे हैं मंत्री। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते गुरुवार को पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर संसद में बयान दिया था। रक्षा मंत्री द्वारा संसद में दिए गए बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार से कई सुलगते हुए सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि PM मोदी और रक्षा मंत्री इन सवालों के जवाब दें। राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों से मोदी सरकार और उसके मंत्रियों में बेचैनी एक तरह से बढ़ती गई है। आलम यह है कि मोदी के मंत्री राहुल गांधी द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के बजाय अपनी और सरकार का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी पर इसको लेकर निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, लगातार चीन और भारत के बीच तनाव बरकरार है। इसी को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी ने कुछ सुलगते हुए सवाल पूछे थे, जिसका मोदी सरकार जवाब देने में एक तरह से असमर्थ दिखाई दे रही है और वास्तविक स्थिति को जनता से छुपा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं एक और खबर जान लेते हैं, ममता बनर्जी ने साधा है अमित शाह पर निशाना। बोली, आपके बेटे ने इतना पैसा कहां से कमाया। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले BJP और TMC के बीच तेज हो रही जुबानी जंग में अब परिवारों तक पहुंच गई है बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लेने के बाद ममता ने भी शाह के बेटे जय शाह को बीच में लाकर इसका जोरदार जवाब दिया है। और वहीं पश्चिम बंगाल में BJP के आला नेताओं के तूफानी दौरे के जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जनसभाओं और रैलियों के जरिए लोगों तक अपनी पहुंच और भी बढ़ाने की तैयारियों में जुटी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों तक पहुँचाए हैं HRI न्यूज़ के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो के द्वारा जो खबरें सामने निकल के आई हैं उनको जान सकें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।